Hey guys, welcome back to our video. तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फ्लाइंग पेपर हेलीकॉप्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको लगने वाला है कलर पेपर, जिसको आप किसी भी स्टेशनरी स्टोर से ले सकते हैं। ओके, तो लेफ्ट साइड से हम अपना 10 सेंटीमीटर एरिया ले लेंगे और 10 सेंटीमीटर पे एक लाइन लगा देंगे, ताकि हम इधर से पेपर को कट कर पाए। ठीक है, तो अभी बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ देंगे, मतलब 5 हमारे ब्लेड्स के लिए वो स्पेस रहेगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, अभी इसको लाइन से बराबर कर देंगे। चलो, तो ये तो काम हो गया। अभी हम अपना पूरा जो ग्राफ है वो एक बार ड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी लेंथ रहेगी 10 सेंटीमीटर और जो बीच वाला एरिया है उसकी रहेगी 1 सेंटीमीटर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरा ग्राफ मिल जाएगा। ओके, तो अभी टॉप से हम 2 सेंटीमीटर एरिया छोड़ देंगे और उधर एक लाइन बना देंगे। तो ये रहेगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी इसको कट कर लेते हैं। हम पहले टॉप से कट कर लेते हैं और उसके बाद साइड से कट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाएगा। अभी हम बीच वाली जो लाइन है उसको कट कर लेंगे। पूरी तरह से नहीं कट करने का, हमको जो 2 सेंटीमीटर एरिया छोड़ा था उधर तक ही कट कर देने का। ठीक है, तो इसके बाद ऊपर से हम 5 सेंटीमीटर एरिया कट कर देंगे। ठीक है, तो इधर से हम 5 सेंटीमीटर एरिया ले लेंगे और इधर से एक लाइन बनाकर उसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये विड्थ रहेगी, इसकी हाइट रहेगी 5 सेंटीमीटर। तो अभी इसको कट कर लेते हैं। और जो लास्ट वाला ब्लेड है उसको हम कट कर देंगे, मतलब जो स्ट्रिप है इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारे 4 ब्लेड्स। अभी जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे और इसको बीच में से भी एक फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही तरह से कुछ ये आपको दिखाई देगा। अभी जो लास्ट वाला पीस है इसको हमको चिपकाने का है। ठीक है, तो चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे नॉर्मल ग्लू। मैं इधर फेविकॉल यूज़ कर रहा हूँ, आपको जो मिल जाए उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हमको थोड़ा सा ही ग्लू लगेगा, तो इधर एक ड्रॉप लगा देते हैं और स्टिक की सहायता से इसको इधर लगा देंगे। तो अब ये हमने चिपका लिया है। ठीक है, तो अभी इसको ओपन कर देते थोड़ा। जो साइड थी इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे ताकि ये फूल जाए थोड़ा। ओके, अभी हम अपने जो ब्लेड से हेलीकॉप्टर के उसको थोड़ा सा फैला देंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ। और अभी जो अपना एक्स्ट्रा जो ब्लेड था उसको हम बीच में से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और उसको थोड़ा सा ऊपर से पार्ट हम उधर फोल्ड कर देंगे और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अभी जो ऊपर हमने फोल्ड किया था उधर हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे। तो अभी हम इसको हम इधर चिपका देंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। चले, तो अभी हमारा ऑलमोस्ट पूरा हेलीकॉप्टर हो गया है।
अभी हम देखेंगे इसको कैसे उड़ाते हैं प्रॉपरली। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि इसको कैसे उड़ाते हैं। हमको बहुत सारे रिक्वेस्ट मिलते हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है या फिर और कुछ हो रहा है, तो प्रॉपरली वीडियो को देख लीजिए। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम फ़ैन ऑन कर देंगे और उसको फुल स्पीड पर रख देंगे, ठीक है। तो फ़ैन ऑन होने के बाद हेलीकॉप्टर को साइड वाले कॉर्नर में, हमारे रूम का जो साइड कॉर्नर है उसमें लेकर जाएंगे और ऐसा छोड़ देंगे। दैट्स इट, इतना ही है। और आप देख सकते हैं ये फ्लाई बराबर से कर रहा है। कुछ टाइम ये फ्लाई नहीं करेगा तो कोई नहीं, फिर से एक बार ट्राई कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे हमको ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए आपको अच्छी लगी है तो।